वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पूरी ए सॉर्ट कम्युनिटी को नमस्कार, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड बिजनेस। आप लोगों के लिए ये एक अनदर वीडियो है और इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेसिक डिटेल आपके साथ साझी करने वाला हूँ। अगर आप लोग अपना मोबाइल नंबर ए सॉर्ट में चेंज करवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है, अगर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, चाहे कोई भी वजह हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर गुम हो गया हो या आपके पास वो मोबाइल नंबर मौजूद है लेकिन आपको नया नंबर अपडेट करना है, तो आपको क्या करना है, आपको कंपनी की ईमेल आईडी के ऊपर एक मेल करनी है। अब उस ईमेल आईडी में क्या लिखना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपको अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी से जब आप मेल करेंगे उसमें सबसे पहले तो आप अपना पुराना मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर आपको याद है, ऑफिस की बात है कि आपको पुराना नंबर याद होगा, बट काफ़ी बार ऐसा हो भी सकता है कि आपको पुराना नंबर याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपने जो नंबर नया रजिस्टर करवाना है तो आपको वो नया नंबर उसमें लिखना है कि माय न्यू नंबर इस, कि जो आप नंबर रजिस्टर करवाना चाहते हैं। और पुराना नंबर से आप नए नंबर में शिफ्ट क्यों हो रहे हैं उसका कोई रीज़न दे सकते हैं, मोबाइल नंबर गुम हो गया, मोबाइल सिम नंबर बंद हो गया, एक्स वाई जेड, कोई भी वजह हो सकती है, राइट। और उसके साथ आपको अपना आधार कार्ड जिसकी फ्रंट एंड बैक साइड फ़ोटो आपको साफ साफ एकदम क्लियर फ़ोटो खींच के आपको साथ में अपनी मेल में अटैच करनी है। सिर्फ इतना करना है और वो मेल कर देनी है। मेल करने के बाद आपको कंपनी से कॉल आ जाएगी, वो आपसे वेरीफाई करेगी एंड आपका मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि हो सकता है आपके पास मोबाइल नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी भी ना हो, तो क्या किया जाए, तो आपको एक नई ईमेल आईडी बनानी है। उस नई ईमेल आईडी से आपको अपना नया मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आपको रजिस्टर करनी है वो आप वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और साथ में अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिखेंगे, ठीक है, और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा उस पर आपको कंपनी से कॉल आएगी। इस तरीके से आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चेंज हो जाएंगे। और इसके अलावा बैंक डिटेल के लिए भी बता देता हूँ, बैंक डिटेल अगर चेंज करनी है तो वो बहुत ही सिंपल है, वो आप खुद अपने पैनल में जाके कर सकते हैं, ठीक है। आपको पैनल ओपन करना है, माई अकाउंट में जाना है, प्रोफाइल में जाना है, बैंक डिटेल में जाना है, वहाँ पे आपको एडिट की ऑप्शन मिलेगी, एडिट में जाइए, आईएफएससी कोड भरिए और अकाउंट नंबर भरिए, ठीक है। तो आईएफएससी कोड से वो आपकी ब्रांच तो खुद ही उठा लेगा। आपको अकाउंट नंबर भरना होता है दो बार और उसे ओके करना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर एक वो जाएगा, ओटीपी जाएगा, ओटीपी भरने से आपका बैंक डिटेल चेंज हो जाएगा। बट अगर मोबाइल नंबर ही मतलब वो है तो मोबाइल नंबर भी चेंज करवा लीजिए और बैंक डिटेल का ये प्रोसेस रहता है। सो उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि अगर मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो हेल्पलाइन पे, सॉरी ईमेल पे आपको मेल करनी है care@asort.com पे, और बैंक डिटेल चेंज करनी है तो वो खुद आप अपने पैनल से ही जाके चेंज कर सकते हैं, राइट। और आपकी वेबसाइट पे एक सही मोबाइल नंबर का होना, एक्टिव मोबाइल नंबर का होना और एक्टिव ईमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। आपको किसी भी टाइम किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ सकती है। और सबसे बेसिक आपको पता है कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल आईडी के ऊपर ही आपका ओटीपी आता है और वो तो सबसे ज़रूरी है, बेसिक है, तो इसलिए तो आपको ये सही रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको कंपनी हैंड से भी कोई ज़रूरी मैसेज, ईमेल, कॉल आ सकती है, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को सही रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना वैल्यूएबल फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर आपसे बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।